पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हाँ विद्युत, अथर्व अभी तक आया नहीं है, बोलकर गया वो कहीं जा रहा है। नहीं अंकल, वो घर के लिए निकला था मनोज काका के साथ। क्या? हाँ अंकल, मैं और अथर्व साथ में स्कूल से निकले थे, पर मनोज काका है और अथर्व को लेकर चले गए। क्या बोल रहा है, कहाँ गया अथर्व? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, क्या बोलो। अथर्व को मनोज दादा स्कूल से लेकर गया। मनोज क्यों ले गया अथर्व को? घर के लिए अथर्व को ले जाकर हमें ब्लैकमेल करेंगे। अरे कुछ अथर्व को लेकर आना होगा। अरे बाप रे, अथर्व को ढूंढना पड़ेगा, अथर्व को ढूंढना पड़ेगा। चलो रिलैक्स मैम, मनोज दादा का फोन, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। कोई किडनैपर अपना फोन ऑन क्यों रखेगा रात? क्या बोल रहे तू अंधो? अरे मनोज अपने भतीजे को क्यों किडनैप करेगा? आप अभी भी नहीं समझ रही है माँ, मनोज भैया किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। जब भी हमें लगता है ना कि वो इससे नीचे नहीं गिर सकते, वो हमें गलत साबित कर देते हैं। उनको अपनी चीज पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमको अथर्व को ढूंढना पड़ेगा। तुम चलो, तुम चलो ना। नहीं, मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता। मम्मी आपको पता है ना मनोज दादा कहाँ रहता है? मुझे हाँ। क्यों राधिका, तुम तो जाती थी ना उसे चुप चुप के मिलने, उसका पता तो तुम्हारे पास होगा ना, बता दो ना। हाँ वो मोबाइल पे भेजा। दिखाइए दिखाइए फोन दिखाइए। बेटा तुम चिंता मत करो, अथर्व सही सलामत आ जाएगा। ये मैसेज पढ़ा आपने? कौन सा मैसेज? 2 घंटे पहले मनोज दादा ने जो आपको भेजा था। क्या? क्या? हाँ पढ़ा था, पर वो शायद मैं भूल गई। क्या 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 मैसेज है, क्या बताओ ना। क्या लिखा है उसमें? मम्मा मम्मा क्या लिखा है बेटा? अथर्व मेरे साथ है, उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। अथर्व कहाँ है माँ? मनोज भैया कहाँ लेकर गए, प्लीज बताइए ना। आपको पता होगा ना, आपसे मनोज भैया सब कुछ शेयर करते, तो प्लीज बताइए ना अथर्व कहाँ है। बंधु नहीं, मुझे बात करने दो ना राज, प्लीज। माँ है, समझ सकते कि माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। प्लीज बताइए ना कहाँ है अथर्व। नहीं, अगर मनोज भैया ने आपको कसम दी है और आप इसलिए चुप है, तो प्लीज वो कसम तोड़ दीजिए। मुझे मेरे बच्चे को घर लेकर आना है माँ, प्लीज प्लीज बताइए ना कहाँ है अथर्व। बंधु मैं भी चाहती हूँ बेटा कि अथर्व सही सलामत वापस आ जाए, सचमुच चाहती हूँ मैं। तो मनोज भैया का मैसेज इतनी देर तक छुपाया क्यों माँ? राजू मैं मम्मी भूल गई। कैसे मान लूं? अरे कैसे मान लूं का क्या मतलब है? You know her condition. I know. I also know कि मनोज भैया को लेकर माँ बातें छुपाती है हमसे। मनोज भैया अगर माँ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होंगे, तो मैनिपुलेट कर रहे होंगे, तो अपनी कसम वसम देकर मजबूर कर दिया होगा, तो उनके भूलने की बीमारी का फायदा उठा रहे होंगे। तो बेटा मैंने ना मनोज को बिल्कुल नहीं बताया कि मुझे भूलने की बीमारी, नहीं बताया मैंने। और उसका ना फायदा मैंने सिर्फ एक बार उठाया, मेरी बीमारी का फायदा सिर्फ तुझे तुझसे सुलह करने के लिए उठाया था मैंने। मैंने उसको नहीं बताया बेटा, जितना प्यार मैं मनोज से करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा मैं अथर्व से प्यार करती हूँ। वो मुझे प्यारा है बेटा,
और ये कसमें बस फिर दुनिया की कितनी भी कसमें हो अथर्व से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, कभी नहीं। तो प्लीज बता दीजिए ना कहाँ लेकर गए वो अथर्व को माँ। शांत शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ, नहीं हो सकती हूँ मैं शांत। मेरा बच्चा गायब है, मेरा बच्चा उस आदमी के साथ है जो पता नहीं किस हद तक जा सकता है, क्रिमिनल हिस्ट्री है ना उसकी। मैंने कहा था इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर सकते इस बारे में बात? मुझे जानना है, आई नीड टू नो कि मेरा बच्चा जिस आदमी के साथ है वो किस हद तक जा सकता है, क्या कर सकता है। हम अपने बच्चों को कहते रहते हैं कि हमसे कुछ मत छुपाओ, छोटी से छोटी बात शेयर करो, तो इतनी बड़ी बात तुम शेयर नहीं करोगे उनके साथ, मेरे साथ नहीं शेयर करोगे? मेरा बेटा लापता है, जिस आदमी के साथ है उस आदमी को किस लिए जेल हुई थी, वो आदमी किस हद तक गिर सकता है, ये मुझे पता होना चाहिए राज। I need to know कि उन्होंने क्या किया था। तुम्हें मुझे बताना होगा कि उन्होंने क्या किया था, उन्हें जेल क्यों हुई थी। किडनैप किया था किसी और बच्चे को, मर्डर किया था किसी का। नहीं, नहीं, क्या क्या बोल रही हो तुम? तो फिर बताओ ना क्या किया था उन्होंने। अथर्व के पहले किसी और बच्चे को भी किडनैप कर चुके हैं क्या वो? मनोज दादा किडनैपर नहीं है और ना ही मर्डर। तो फिर वो जेल क्यों गए थे डैडी? याद है मनोज दादा ने दो एनवेलप दिए थे, उसमें से एक चूज करना था, एक पर विद्या लिखा था और दूसरे पे लिखा था ट्रैवल एजेंसी। मेरी कहानी के वो दो अध्याय जिसकी वजह से वागले परिवार से मेरा संबंध टूट गया। दादा की नौकरी पक्की हो गई थी एक ट्रैवल एजेंसी में। लो लो भैया, अरे ले 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 मिठाई ले, मिठाई ले ले बेटा ले ले ले, अरे ले रे तू भी ले ले ले। अगले इतवार तुझे विमला की शादी में जाना है ना, ये पैठनी पहनकर जाना, तेरा अल्लाह की चवट दिखेगा मम्मी। शाबाश बेटा। मिलेगी मिलेगी, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। लगता है श्रीनिवास पूरे दादर को मिठाई बांटकर ही घर लौटेगा। ए राजू जरा आवाज मारना उन्हें। हाँ। लो लो, अरे लो अंदर आइए, मनोज दादा बुला रहे हैं। आ रहा हूँ। अरे लो लो लो, अरे लो लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो। दादा पप्पा खुशी से बौखला गए हैं। पप्पा मुझे भी दो ना यार। अरे पूरी खत्म हो गई, मोहल्ला झपट पड़ा, ऐसा लग रहा है खुशखबरी हमारे घर पे नहीं। वगा 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 पैठणी। ओहो हो हो हो, कुड़ी अंडी मनोज ले आया है। ओहो हो, और ये मेरे दोस्त श्रीनिवास के लिए। क्या बात है, पॉलिस्टर नहीं है, 100% कॉटन, बोले तो रेडीमेड, सिलाई का झंझट ही नहीं चाहिए। अरे पहन के तो देख यार। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है रे। महंगा होगा ना? और शायद थोड़ा बड़ा भी। नहीं नहीं बराबर है, बड़ा है क्या श्रीनिवास? थोड़ा सा यहाँ से जरा चौड़ा है। अरे मेरे को लगा अपने बेटे की कमाई से खरीदा हुआ शर्ट पहन के तेरा सीना अपने आप चौड़ा हो जाएगा। 102 नंबर कोली यही है क्या? अरे हाँ भाई साहब यही है। ठीक हो तू? हाँ मैं, ये साइकिल 102 में पहुंचानी है। तू गलत 102 में आया, वहाँ सामने मनी भाई बिल्डिंग के 102 में देना होगा, जाके वहाँ दे दे। अरे लेकिन ये यही के लिए है। अच्छा किसने भेजी है? भेजी नहीं मंगवाई है, मनोज भाई ने। हे 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 हे
मतलब दादा ये साइकिल? अरे हाँ बावड़ा, तेरे लिए तो लाया हूँ। थैंक यू दादा, थैंक यू। अरे भगा चल। अरे भगा ना राजू। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।